हेलो गाइस, वेलकम बैक बी एस आर जे ब्लॉग्स। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। इसके लिए मैंने लिए हैं दो पालक की कुछ। तो अभी हम इसको पहले अच्छे से काट लेते हैं, और चाहे आप इसको रफ भी काट सकते हैं, क्योंकि इसको हमने बाद में सीटी दिलवानी है। इसमें हम लोग दो सीटी दिलवाएंगे, तो अभी हम लोग इसको अच्छे से काट लेते हैं। देखिए, हमें ऐसे ही रफ काट लेनी है, क्योंकि हमने इसमें सीटियाँ तो दिलवानी ही हैं, तो इसीलिए हम लोग जैसे मर्जी से काट लें। ऐसे हम लोग सारी पालक को काटते जाएंगे। क्योंकि देखने में इतनी सारी है, लेकिन बनने के बाद ये आधी भी नहीं रहेगी, क्योंकि सीटी आने पे सारी थोड़ी सी रह जाएगी। अभी हमारी थोड़ी सी और पालक है, उसको और काट लेते हैं हम लोग अच्छे से। हमारी सारी पालक कट के तैयार हो गई है, तो अभी हम लोग इसको अच्छे से धो के और कुकर में सिर्फ दो ही सीटी दिलवाएंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा सीटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी सारी पालक कट चुकी है, और अब हम इसे अच्छे से धो लेते हैं। ये हमने पालक सारी अच्छे से धो ली है। ये देखिए, इसमें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है, हमें अच्छे से धोनी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसमें पालक चढ़ा देते हैं, कुकर में हम लोग पालक चढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डाल के उबालेंगे इसमें, और थोड़ा ही डालें, क्योंकि अभी इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, और ये एक डेढ़ कटोरी ही बननी है सब्जी, ज़्यादा नहीं बनेगी। इसीलिए नमक हल्दी बिल्कुल थोड़ा ही डालें पहले। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, तो बिल्कुल थोड़ा सा हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे, जिससे कि नीचे चिपके नहीं। देखिए, हमने थोड़ा सा पानी लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे कि ये हमारे नीचे चिपके नहीं। ये लगाकर इसमें हम लोग अब दो सीटी दिलवाएंगे, तो अभी हम ये कुकर को चढ़ा देते हैं, दो सीटी दिलवाते हैं इसमें। जब तक इसमें दो सीटी आती है, तब तक हम लोग इसको अच्छे से इसका छौंक तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा प्याज, हम लोग तब तक प्याज काट लेते हैं जब तक इसमें सीटियां बचती हैं। इसके लिए हमने लिए हैं चार प्याज, इसको हम लोग बारीक काट लेते हैं। इसको हम लोग बारीक ही काटेंगे, लंबे नहीं काटेंगे, ना ही रफ काटेंगे, क्योंकि हमने इसमें सब जैसे सब सब्जियों में छौंक लगाते हैं, हमें वैसे ही बनाना है। और पालक पनीर तो आप सबको पता है कि बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बच्चों को ज़रूर खानी चाहिए। तो आप बच्चों को ज़रूर ट्राई करवाएं पालक पनीर, और बच्चे खा के भी खुश होंगे कि हाँ अच्छा बना है। तो आप ज़रूर ट्राई करें पालक पनीर। हम लोग जब तक प्याज काट लेते हैं इसमें सारे, ये हमारे सारे प्याज छिल चुके हैं, अब हम इसे हम लोग बारीक प्याज काटेंगे। ये हमारे प्याज कटे भी नहीं है, और हमारी सीटी आने के लिए तैयार है। अभी एक सीटी आ गई है, ये हमारी दोनों सीटियां आके तैयार हो गई। और हम लोग अभी कुकर बंद कर देते हैं, और इसे इसकी स्टीम निकलने तक हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको ठंडा करेंगे। ये हमारा प्याज कट के तैयार हो गया, और हमारे कुकर की उसमें सारी स्टीम भी निकल गई है। देखिए, हमारा सारा बन चुका है इसलिए, और अब हम इसको ठंडा होना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम ये अभी मिक्सी में घुमाएंगे, क्योंकि अगर मिक्सी में हमने गर्म डाल दिया तो इसकी स्टीम की वजह से ढक्कन उछल जाता है और सारे छींटे हो जाते हैं। तो अभी हम लोग इसका ठंडा होने का वेट करते हैं, तब तक हम लोग जो पालक पनीर का छौंक बनाना है, हम लोग तब तक वो बनाएंगे। पालक पनीर के लिए छौंक, तो इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा घी। पालक पनीर घी में ही अच्छी लगती है, इसलिए हम लोग इसको घी में बनाएंगे। जब तक ऑयल गर्म होता है, इसमें हम लोग डालेंगे कि ऑयल गर्म होने पे जीरा और थोड़ी सी हींग। अभी हम लोग इसका वेट करते हैं घी गर्म होने का। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा डाला हमने, थोड़ी सी हींग, हींग की काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी, इसलिए हम लोग थोड़ा सा हींग डाल रहे हैं। अच्छे से जब चटक जाएगा, तो हम लोग इसमें प्याज ऐड करेंगे। देखिए, इसमें प्याज ऐड कर दिया,
गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनना है। तब तक हम लोग इसमें टमाटर काट लेते हैं इसमें डालने के लिए। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ प्याज डाला है, अभी हम लोग इसमें टमाटर काट लेते हैं तब तक ये गोल्डन ब्राउन होता है। हम लोग इसमें बीच बीच में ऐसे हिलाते रहेंगे, हमारा टमाटर भी कटने वाला है और हमारे प्याज भी हल्के गोल्डन ब्राउन होने वाले हैं तब हमारे प्याज भी कट जाएंगे। देखिए हमारा ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें अब हम लोग टमाटर ऐड करेंगे। हमने हल्दी नमक पालक में भी मिलाया था, इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा ही मिलाएंगे। मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक भी हम थोड़े डालेंगे क्योंकि हम लोग पालक में पहले से डाल चुके हैं। जब तक इसके टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम लोग इसको भून रहे, तब तक हम इसे थोड़ा सा मंदी आँच पे छोड़ देते हैं और हमारा पनीर को तब तक हम लोग पीसेस कर लेते हैं। पनीर आप जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से हमें क्यूब में ही काटना है। देखिए इस तरह से हमें काटना है पनीर। और पालक तो बिना पनीर के अच्छी बनेगी भी नहीं, तो हमें पालक के साथ पनीर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आप अगर मेरे चैनल पे कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छा कर सकूँ। कोई कमी आए मेरे इसमें सिखाने में तो आप वो भी बता सकते हैं, जिससे कि मैं अगली बार और अच्छा कुछ बना सकूँ। इसे हम लोग बीच बीच में हिलाते रहेंगे जिससे कि ये चिपके नहीं। हल्का हल्का सॉफ्ट होना शुरू हो गया ये, लेकिन अभी अच्छे से जब तक पूरा मैश नहीं हो जाता है टमाटर तब तक हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे। देखिए हमारी पालक भी लगभग ठंडी हो चुकी है, जब तक इसमें ये छोंक बनेगा हम इसको एक जार में डाल लेते हैं। अब इसको भून लेते हैं, पीस लेते हैं। इसमें जो पानी है हमें वो भी फेंकना नहीं है, इसके साथ ही हम लोग इसको पीस लेंगे अच्छे से। इसको बिल्कुल बारीक पीसना है हमें। और बीच बीच में देखिए थोड़ी सी स्टीम आ रही है, तो हम लोग बीच बीच में ढक्कन को खोलते रहेंगे जिससे कि स्टीम अंदर ही ना बने और ढक्कन ना उछले। इसलिए हम लोग अभी इसको ऐसे ही मिक्सी में घुमा लेते हैं। पालक पीस के तैयार हो चुकी है। अब हमारा छोंक देखते हैं, हमारा बन चुका है क्या छोंक? अभी हमारा छोंक लगभग बन चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा और बनना बाकी है। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा और बनेंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा गैस को तेज कर लेते हैं। पालक जैसे हमने पीसी है वो बिल्कुल पतली हो चुकी है, तो इसे गाढ़ा करने के लिए भी हमें थोड़ी देर उसके लिए रखना पड़ेगा। देखिए हमारा छोंक बन के तैयार हो चुका है, अब इसमें हम लोग पालक ऐड करेंगे। गैस मंदी कर लेते हैं, नहीं तो उसके छीटे लगने शुरू हो जाएंगे। देखिए हमारी पालक पीस के तैयार है, अब हम इसमें सारी पालक ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम लोग। इसके कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है इसमें। अभी हम लोग इसमें पनीर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इसे देखिए थोड़ा पतला ज़्यादा है, तो अभी हम इसे गाढ़ा करेंगे तो बार बार हिलाना पड़ेगा और पनीर के टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए अभी हम लोग इसमें पनीर ऐड नहीं करेंगे। लास्ट के 2 मिनट में ऐड करेंगे हम लोग इसको। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा गैस को तेज करके ढक के रख देते हैं। इसको हम ढक के रखते हैं, अगर हम लोग इसे ढकेंगे नहीं तो इसके छींटे उछलेंगे सारे क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा हो गया है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखते हैं और फिर बीच में संभालेंगे। देखिए इसे हम लोग एक बार बीच में संभाल लेते हैं, देखिए इसमें कितने छींटे उछलते हैं, इसलिए हमें इसको ढकना बहुत जरूरी है। हल्का सा गाढ़ापन आया है इसमें, अभी हम लोगों को थोड़ा सा और गाढ़ी चाहिए, तो अभी हम लोग इसको फिर से ढक के रख देंगे। देखिए अब हम इसको एक बार और संभाल लेते हैं, देखिए काफ़ी गाढ़ी होने लग गई है। इसमें हम लोग पनीर ऐड कर देंगे, जिससे कि पनीर में भी सारा उसके मसाले का टेस्ट चला जाएगा।
लेकिन अभी भी हमें इसे थोड़ा और गाढ़ा करना है। अभी हम इसे 2-4 मिनट और ऐसे रखेंगे और फिर हमारी पालक पनीर बन के तैयार हो जाएगी। हम लोग एक बार और हमारी पालक पनीर संभाल लेते हैं। देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई, कुछ ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी पड़ेगी, इसलिए अब हम लोग इसको और गाढ़ा नहीं करेंगे, इसे हम लोग सर्व करते हैं। ये देखिए बनके हमारा पालक पनीर तैयार हो चुका है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।